वेल डियर स्टूडेंट्स द कोर्स इज लेबर पॉलिसी पाकिस्तान एंड द टॉपिकॉकआउट और रेलिवेंट से इंडस्ट्रियल तो सेक्शन फोर्टी वन डील स्ट्राइक और लॉकआउट अगर स्ट्राइक करने का इरादा है या लॉकआउट करने का इरादा है तो उसका नोटिस दिया जाएगा और ये फोर्टीन डेज का नोटिस होगा पॉइंट नोट करने वाला यह है कि स्ट्राइक्स जो है वो वर्क करते हैं और जो लॉकआउट जो है वो एम्प्लॉयर या एम्प्लॉयर्स करते हैं सेक्शन 42 डील्स विद स्ट्राइक एंड लॉकआउट इफ नो सेटलमेंट इज अराइव्ड अगर डिस्प्यूट है और एम्प्लॉयर्स या एम्प्लॉयर और वर्कमैन या वर्कमैन के दरमियान जो डिस्प्यूट है वो सॉल्व नहीं होता तो फिर जो है वो बात स्ट्राइक्स की तरफ जा सकती है और लॉकआउट्स की तरफ जा सकती है इफ नो सेटलमेंट इज अराइव्ड एट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कॉन्सिलियशन प्रोसीडिंग्स ये कॉन्सिलियशन प्रोसीडिंग्स जो हैं वो क्या हैं आगे चल के आपको बताता हूँ एंड द पार्टीज टू द डिस्प्यूट डू नॉट एग्री टू रेफर इट टू एन आर्बिट्रेटर अंडर सेक्शन 40। अगर डिस्प्यूट खड़ा होता है वर्कर्स और एम्प्लॉयज के दरमियान तो पहली जो इसमें रेमेडी है वो कॉन्सुलशन प्रोसीडिंग है और उसके बाद आर्बिट्रेशन है तो माय डियर स्टूडेंट्स दी वर्कमैन मे गो ऑन स्ट्राइक अगर डिस्प्यूट खड़ा हुआ है और कॉन्सुलशन प्रोसीडिंग्स जो हैं वो स्टार्ट होती हैं तो इस सिमन में आपको मैं बताता हूं कि सेक्शन फोर्टी को हम दोबारा रीड कर लेते हैं इफ नो सेटलमेंट इज अराइव एट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कॉन्सुलशन प्रोसीडिंग्स एंड द पार्टीज टू द डिस्प्यूट डू नॉट एग्री टू रेफर इट टू एन आर्बिट्रेटर अंडर सेक्शन फोर्टी द वर्कमैन मे गो ऑन स्ट्राइक इसका मतलब है कॉन्सुलशन फेल हो गई है आर्बिट्रेशन फेल हो गई है तो वर्कर्स जो है वो स्ट्राइक पर जा सकते हैं और जो एम्प्लॉय जो हैं वो लॉकआउट के ऊपर जा सकते हैं तो देखते हैं कि कॉन्सिलिएशन और आर्बिट्रेशन में डिफरेंस क्या है कॉन्सिलियशन इज वेयर पार्टीज विद असिस्टेंस फ्रॉम अ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रैक्टिशनर के कौंसिलशन जो होती है ये पार्टीज के दरमियान होती है यानी वर्कमैन और एम्प्लॉयर के दरमियान और बेसिकली जो कौंसिलियशन होती है ये एक बंदा होता है कौंसिलिएटर जो इनको बिठा के आपस में बातचीत करवाता है ताकि एग्रीमेंट हो जाए और आर्बिट्रेशन क्या होती है ये जो कौंसिलियशन होती है इसमें आर्गूमेंट्स नहीं होते ये बातचीत निगोशिएशन और जरा पीसफुली एग्रीमेंट के ऊपर आने की बात है लेकिन आर्बिट्रेशन जब होगी वो आर्गूमेंट्स के ऊपर होगी वो लॉजिक्स के ऊपर होगी वो बेसलेस चीजों के ऊपर नहीं होगी लेकिन कौंसिलेशन का जो टेम्पो है वो बड़ा स्लो सा है जिसमें बातचीत की जा रही है चले छोड़ें आप ये बात ना करें चढ़े छोड़ें आप ये बात ना करें चलो इसको ये चलने दो इस तरह की बातें उसमें होती हैं तो स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट के जिम्मे में अगली बात यह है The party raising a dispute may at any time, either before or after the commencement of a strike or lockout, make an application to the commission for adjudication of the dispute. to तो agar conciliation fail हो गई है, arbitration fail हो गई है, तो फिर क्या होगा? जो disputants हैं, उनमें से कोई एक जो है, वो commission को, यानी National Industrial Relations Commission को application file कर सकता है कि इस dispute के ऊपर adjudi करें यानी मामले को तय करें नेक्स्ट जो प्रोविजन है वो ये बता रही है कि अगर जो स्ट्राइक या लॉकआउट है वो थर्टी डेज से ज्यादा हो गया है द गवर्नमेंट मे बाय ऑर्डर इन राइटिंग प्रोहिबिट द स्ट्राइक और लॉकआउट गवर्नमेंट रोक सकती है कि बंद करें इसको स्ट्राइक को लॉकआउट को प्रोवाइडेड दैट द गवर्नमेंट मे विद रिस्पेक्ट टू ये प्रोवाइडेड का जो है ये शर्त लगा रहा है गवर्नमेंट रोक सकती है कि बंद करो इस स्ट्राइक को और लॉकआउट को लेकिन शर्त क्या है गवर्नमेंट के ऊपर प्रोवाइडेड दैट द गवर्नमेंट मे विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर स्ट्राइक और लॉकआउट रिलेटिंग टू अ डिस्प्यूट विच द कमीशन इज कॉम्पिटेंट टू एजुकेट अ डिटरमिन ऑर्डर इन राइटिंग अ स्ट्राइक और लॉकआउट एन एनी टाइम बिफोर द एक्सपायरी ऑफ थर्टी डेज इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट द कंटिन्यूस ऑफ सच अ स्ट्राइक और लॉकआउट इज कॉजिंग सीरियस हार्डशिप टू द कम्युनिटी और इज प्रीजुडिशियल जुडिशियल टू द नेशनल इंटरेस्ट तो गवर्नमेंट अपना रोल प्ले कर सकती है कि ये जो स्ट्राइक और लॉकआउट है ये ठीक नहीं है क्योंकि ये प्रीजुडिशियल जुडिशल टू द नेशनल इंटरेस्ट है और प्रीजुडिशियल जुडिशियल टू द कम्युनिटी इंटरेस्ट है माई डियर स्टूडेंट्स कमीशन के पास डिस्प्यूट चला गया तो अब कमीशन क्या करेगा कमीशन दोनों पार्टीज को रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस के तहत हियर करेगा तो रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है हियर द अदर पार्टी किसी को सुने बगैर फैसला नहीं करना और इसके बाद इसको एक्सपीडिशियसली और जल्दी से जल्दी इसको हल करने की कोशिश करेगा और इस जिमन में कमीशन जो है वो इंटैरम ऑर्डर्स भी पास कर सकता है Provided further that any delay by the Commission in making an order shall not affect the validity of any order made by it. To my dear students, an award of the Commission shall be for such period as may be specified in the award, which shall not be more than two years. Hope you have understood the topic strikes and lockouts. Thank you very much indeed.